हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लाभेंद्र मात्रे फ्रॉम हरे कृष्ण फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज हम यहाँ पर जिस वीडियो के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उस वीडियो का नाम है नायोमा, दैट इज नाड़ी मसाज। नाड़ी मसाज का इस्तेमाल हम पोस्ट कोविड पेशेंट में कैसे करेंगे और उसकी रिकवरी में उनको कैसे हेल्प होगी, ये हम देखेंगे। आपको तो मालूम होगा PEM मतलब पोस्ट एग्जेशनल मैलेस, जिसके तुरंत ही कुछ भी छोटी मोटी एक्टिविटी अगर कोई करता है तो उसको टायर्डनेस और फटिकनेस आती है। तो अगर हम उसी पेशेंट को नायोमा या फिर नाड़ी मसाज करेंगे तो उसको उस PEM में से रिकवर होने में बहुत हेल्प होती है। यह मैंने बहुत सारे पेशेंट पे देखा है, मैंने प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्लिनिक में, होम विजिट में, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि नाड़ी मसाज कैसे कर सकते हैं। पहले हम पेशेंट के पैरों को रिलैक्स करेंगे, उनको स्विंग करेंगे। स्टार्ट हम ऊपर से करेंगे, नीचे तक जाएंगे, फिर से ऊपर से नीचे तक आके रुक जाएंगे। पैर रिलैक्स होने के बाद हम शुरुआत बाहर की तरफ से करेंगे। बाहर की तरफ दो लाइंस है नाड़ी मसाज की, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन जस्ट उसके नीचे है, और नीचे यहाँ से लेके यहाँ और उसके नीचे यहाँ तक। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, पहला हाथ का प्रेशर देंगे वहाँ पर, ऐसा एकदम कंफर्टेबल, स्लो, रिदमिक, एकदम रिलैक्स लगना चाहिए। नीचे से शुरुआत करके ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाएंगे, बाद में ऊपर से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। प्रेशर ज़्यादा नहीं चाहिए, ना ही बहुत कम, एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए। ये होने के बाद आपके थंब से शुरुआत कीजिए, नीचे की लाइन से, पैर के जस्ट ऊपर से थंब से प्रेशर देख के ऊपर की तरफ जाइए, सीधा घुटने के नीचे ये पहला लाइन ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही आपको नीचे की तरफ धीरे धीरे आना है और आपका ये फर्स्ट लाइन ख़त्म हुआ। सेकंड लाइन बाहर की तरफ है और उसको भी थंब से धीरे धीरे प्रेस करके नीतक जाना है, और आपको वैसे ही धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद घुटने की ऊपर वाली लाइन यहाँ से शुरू करना है हमें, और सीधा ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ, और ऊपर जाके यहाँ पर रुकना है, और बाद में धीरे धीरे नीचे आना है जहाँ के हमने शुरू किया था। और बाद में सेकंड लाइन आउटर साइड, थंब प्रेशर देके ऊपर जाना है जहाँ के अपना हिप बोन रहता है ऊपर, और वहाँ से आपको फिर से रिटर्न आना है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ये सेकंड स्टेप ख़त्म होने के बाद आपको फिर से पाम प्रेशर देना है, सेम स्लो रिदम में, कंफर्टेबल, आराम से। बाद में फिर से नीचे आना है जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ तक। जिस तरीके से हमने ये पैर को किया उस तरीके से ये पैर में करना है, लेकिन यहाँ पर आपको तीन लाइंस होगी, 1, 2 और 3। वैसे नीचे 1, 2, 3। अभी पहला हम पाम प्रेशर देंगे। पाम प्रेशर हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी नाड़ी है, जो एनर्जी चैनल्स रहते हैं बेसिकली बॉडी के, वो
रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। वो रिलैक्स होने के बाद जब हम उनको थंब से प्रेशर देते हैं, जैसे कि अभी मैं हम फर्स्ट लाइन कर रहे हैं, तो जो एनर्जी ब्लॉकेज या फिर एनर्जी फ्लो रहता है वो अच्छी तरह शुरू हो जाता है। या अपना फर्स्ट लाइन ख़त्म हुआ नहीं तक, वैसे हम नीचे नीचे जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, नीचे जाके ख़त्म। अभी सेकंड लाइन एंकल के जस्ट ऊपर से शुरू करेंगे, थंब प्रेशर मेंटेन रखते हुए धीरे धीरे हम नी की तरफ जाएंगे। ये लाइन टीबिया बोन की जस्ट एकदम बाजू में है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, एंकल तक रुकेंगे, और ये थर्ड लाइन जो कि उसके थोड़ा और नीचे है उसको प्रेस करते हुए फिर से ऊपर नी की तरफ जाएंगे। यहाँ पर ये लाइन ख़त्म होगी, बाद में रिटर्न नीचे की तरफ जाएंगे और ये थर्ड लाइन ख़त्म हुई। अभी हम ऊपर नी के ऊपर जो तीन लाइन है उसको करेंगे। पहली लाइन धीरे धीरे ऊपर, अब जितना जा सकते हो उतना जाइए। यहाँ पर ये लाइन ख़त्म हो जाती है, वहाँ से आपको धीरे धीरे रिटर्न आना है और उसके बाद हम सेकंड लाइन के ऊपर जाएंगे। सेकंड लाइन यहाँ से लेके ऊपर सीधा धीरे धीरे, पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, पेशेंट को हमेशा रिलैक्स ही लगना चाहिए। और अभी ये अपनी सेकंड लाइन ख़त्म हुई। नाउ थर्ड लाइन थोड़ा नीचे है, धीरे धीरे हल्के हल्के प्रेशर मेंटेन रखो और यहाँ पर जैसे ख़त्म होगी आप रिटर्न आइए। जैसे थर्ड लाइन ऊपर की ख़त्म होती है आपको फिर से पाम प्रेशर देने का है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में दिया था। धीरे धीरे एक रिदम मेंटेन करिए, ऊपर जाने के बाद वैसे आपको धीरे धीरे नीचे आना है। अभी जैसे हमने अंदर वाली बाजू इस पैर की और बाहर वाली बाजू इस पैर की, वैसे आपको ये अंदर वाली बाजू और ये बाहर वाली बाजू करनी है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लेकर आपको कोई क्वेरी होगी या फिर आपका एक्सपीरियंस शेयर करना होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।